हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल असेसमेंट में। इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट विद इन मिनट दी जाती है। इस समय पेट की परीक्षाएं जो आपको परसों आयोजित होने वाली, परसों और नरसों यानी 15-16 को आयोजित होने वाली है, जिसमें ये देखेंगे क्या कुछ अपडेट निकल गया है। प्रयाग की छात्राओं को परीक्षा केंद्र लखनऊ सहित कई शहरों में, गैर जिलों में केंद्र PET से लड़कियों ने बनाई दूरी। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है PET परीक्षा। 200 से 500 किलोमीटर दूर भेजे जाने से छात्राएं नाराज। मैं तो बताऊं, लड़कियों का सेंटर कम से कम नहीं चेंज करना चाहिए था। आप नकल वहां भी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि OMR बेस्ड पेपर है। जिसको नकल करना होगा वो कहीं से कर लेगा, आपको रोकने मान का नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि जब OMR के पेपर होते हैं, ऑफलाइन पेपर होते हैं, तो वो पेपर WhatsApp के थ्रू भेज सकता है, टेलीग्राम के थ्रू भेज सकता है, कहीं से भी भेज सकता है। तो क्या मतलब इतना दूर दूर सेंटर बनाने का। TET का पेपर आप जिले में करा देते हैं, गर्भवती महिलाओं के 500 किलोमीटर दूर केंद्र भेजे गए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। और गोरखपुर में विवाद की स्थिति है, यहाँ पे भी जो है पत्र लिखा गया है, छात्राओं ने केंद्र बदलने की मांग उठाई। तो सभी जगह ये मांग उठ रहा है। बेरोजगारों में PET को लेकर ज़बरदस्त क्रेज, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 37 लाख से ज़्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। और इसमें जो है छात्रों के अलावा छात्राओं को भी दूसरे जिले में आवंटित कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि पास के उस ज़िले में होती है तो कोई अपने गार्जियन गाड़ी से ले जाता है, बाइक से लेते जाता है, पास में रहता है तो इजीली एग्ज़ाम हो जाता है। लेकिन जब ये सारे लोग, छात्राएं प्लस उनके गार्जियन जब जाएंगे, तो बस में और रश बढ़ेगी और ज़्यादा वहाँ पे भीड़ की संभावना बढ़ जाएगी, और सेफ्टी के नज़रिए से भी कहीं ना कहीं गलत है। तो ये एक अपडेट था, होप करेंगे वीडियो अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।